तो गाइस पूजा हो गई कंप्लीट और ये बज रहे 11 तो और देख सकते हैं बाबा तो अपन के तेरे को लग करके रेडी हूँ और बर्बाद करने के लिए तो क्यों ना उस टाइम को थोड़ा प्रोडक्टिविटी में यूज कर लिया जाए और बनाया जाए कुछ अमेजिंग ट्रैवल व्लॉग्स, उसी के लिए आज मैं निकल रहा हूँ। तो गाइस आज जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है मधुबनी का उगना महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है और वहाँ आज संडे के दिन है तो मेला भी लगता है। तो सोच रहे कि उस मेला को कवर किया जाए और उसका जो एक अच्छा सिनेमैटिक व्लॉग बनाया जाए। तो चलिए आप भी मेरे साथ उस मेले में। तो गाइस अभी मुझसे यहाँ से आना है रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से ट्रेन जाती है वहाँ पे, और तो वहाँ की ऑटो वगैरह भी जाती है पर कौन जाएगा, बहुत लंबा चौड़ा रास्ता पर जाता है, ट्रेन 10 रुपया लेता है यार पहुँचा देता है। तो हम लोग ट्रेन का यूज करने वाले हैं और जाएंगे वहाँ पे। यार 2 दिन से ठंडी बहुत बढ़ गई है, मतलब देख लो ना फॉग कितना है, पता है यार कल और मतलब सैटरडे था कल और कल से ही इतनी ठंडी हो रही है, वरना पहले बहुत अच्छे इस टाइम में धूप वगैरह उग जाता था, तो ये पूरा मौसम रखा है। सो गाइज राइट नाउ आई एम एट मधुबनी स्टेशन और मैं अपने फ्रेंड आयुष को ढूंढ रहा हूँ एंड अरे वो रहा, टिकट ले लिया चलो सर। ये पहुंच चुका है स्टेशन पे और यहाँ मेरा फ्रेंड आयुष मेरे को मिल चुका है और ये टिकट भी मेरे को मिल चुका है, तो हम लोगों ने टिकट कटा है। आप लोग भी अगर ट्रैवल करते तो टिकट कटा लीजिए, अभी वेट करो मैं ट्रेन का। क्या लगता है भाई कितना देर में आएगा ट्रेन? अब बस अनाउंस कर दिया, करेगा वेट करते हैं। भाई साहब देख रहे हो किस कदर कोहरा छाया हुआ है, मतलब ये तो अजब ही हो गया 2 दिन से मधुबनी में। आ गई और अभी हम इनको जाना है बैठने के लिए। सो गाइस दिस इज द फेरी ऑन द केक मोमेंट, जब ट्रेन में कोई नहीं है और हम व्लॉगर्स को यही तो चाहिए, यहाँ पब्लिक नहीं होती, हम लोग बिंदास व्लॉग कर सकते हैं। और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं विंडो भी खुली हुई है, काफी अच्छा लाइट का एम्बियंट आ रहा है। राइट नाउ आई एम एट पंडौल स्टेशन और यहाँ देख सकते हो आप, और एक स्टेशन बाद ही उगना हॉल्ट आएगा जहाँ पे भगवतीपुर है, सॉरी उगना हॉल्ट और भगवतीपुर दोनों ही का नाम है। और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ब्लॉगर जी का ब्लॉगिंग कर रहे हैं पूरा डेडिकेशन के साथ, इतना डेडिकेशन मेरे भी नहीं जितना इसमें। तो आपको मैं थोड़ा सा स्टेशन दिखाता हूँ, उसके बाद सीधे हम लोग वहाँ मिलेंगे। आयुष अरे जिस कदर लग नहीं रहा है कि हम लोग किसी हिल स्टेशन पे हैं, अब पूरा हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं कहाँ से 2 दिन से इतना कोहरा हो रहा है। बैक कैमरा पूरा दिखा दो कैसा लग रहा है। हाँ वो तो मैं मधुबनी स्टेशन में दिखाया था पर अभी मैं दिखा देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे कुछ सीनरी अच्छा आता है, जैसे पेड़ पौधा वाला तो मैं दिखाऊंगा। सो गाइस अभी बज रहे 9:30 और हम पहुँच चुके हैं उगना हॉल्ट। अब आप कहोगे कि 1 घंटा लग गया पहुँचने में, तो ऐसा बात नहीं है, एक्चुअली पैसेंजर ट्रेन की जो नौटंकी होती है वो तो पता ही होगा, हर एक छोटे से छोटे स्टेशन हॉल्ट्स पे रुकती रहती है, बट फाइनली वी आर रीच्ड और अभी हम लोग जा रहे हैं उगना महादेव मंदिर की तरफ। और बहुत ही सुनसान रास्ता जैसे कि आप देख सकते हो, और इसी गली गली होते हुए मतलब बहुत ही कम दूरी पर है, तो हम लोग पैदल पैदल भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ का जो सिनेमैटिक सीन्स होता है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं उगना महादेव मंदिर में, जाके आप लोग देख सकते हो वहाँ पे, पर क्या ऐसे ही दिखा दें, हम ऐसे दिखा दें सिनेमैटिक पे देखो यार।
पूजा हो गई कंप्लीट और ही बज रहे हैं 11 और देख सकते हैं बाबा तो अपन के तेरे को लगकर के रेडी हूँ और अभी जाएंगे कुछ नाश्ता वास्ता करें क्योंकि लगी है बहुत जोरों की भूख सुबह से कुछ नहीं खाए थे और जलझड़ी वगैरह सब कुछ हो चुका है उसके बाद देखते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। सो गाइस सारा काम होने के बाद मतलब पूजा पाठ सब कुछ कर लिया उसके बाद अभी हम लोग वेट कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का। तो बस आज के व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते, अगली की जर्नी के भी प्लानिंग करने हैं। सो दैट्स इज इट फॉर गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। See you soon in the next vlog. Till then, bye. Bye kar do. Kahani pura aaya aur yahan ke haat ka jhilli nahi khaya. Kahela aaya.